ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आज बायोट सेवर्ट लॉ की। किसकी बात करेंगे? बायोट सेवर्ट लॉ की। ठीक है, तो बायोट सेवर्ट जो है उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और उसका हमने एक स्मॉल पार्ट ले लिया है यहाँ से और यहाँ तक, दिस इज़ डी एल, ये डी एल है पार्ट, और यहाँ से इस पॉइंट पी पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड डी बी अगर ये जो है फाइंड आउट हमको करना है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक है, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है होता है एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, ठीक है, थीटा लिख देते हैं इसको, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर के, ठीक है ना, ये होता है बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, यानी अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पर अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उस वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो डिस्टेंस है वायर से उस मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट का, ठीक है, और एल साइन यानी लेंथ ऑफ दी वायर, ठीक, और उससे जितना एंगल बनाता है उसके वर्टिकल कंपोनेंट के जो है क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो ये तो बायोट सेवर्ट लॉ है, ठीक, और इसको आप लिखेंगे, ठीक, उसका नोट्स मैं अभी भेज दूंगा, यानी इसका जो फॉर्म बन के आएगा फाइनली वो क्या आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या बन के आएगा, डी बी डी बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आएगा म्यू नॉट ओवर फोर पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये बायोट सेवर्ट का इक्वेशन है। ठीक है, अगर यही चीज़ सीजीएस सिस्टम की बात होगी, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ऊपर वाली
ये 1 हो जाती है। CGS में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और SI में म्यू नॉट 4 पाई होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, जिसकी वैल्यू म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू जो है 10^-7 होता है, ठीक है ना। तो ये तो बायोट सेवर्ट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसी में एम्पियर सर्किट अनलॉक की, ठीक है, इसी में लेक्चर में बात कर लेते हैं, ठीक। तो एम्पियर सर्किट अनलॉक क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में, अगर बात करें हम किसी भी फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्लोज पाथ में, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ओवर I, म्यू नॉट टाइम्स I, ठीक है ना, ये होता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक, क्या लिखते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, यानी समेशन ऑफ I, ठीक है ना, ये होता है एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं और इसको आप PDF फॉर्म में लिखेंगे, ठीक, उसके नोट्स हम आपको भेज देंगे। थैंक यू।